वेलकम टू द री राइट एंड रीलिव पॉडकास्ट के एक मुलाकात ऐसी भी सीरीज में। आज है हमारा एपिसोड नंबर 2 विद डॉक्टर गजेंद्र सिंह। लास्ट एपिसोड में हमने डॉक्टर गजेंद्र से काफ़ी सारी बातें की ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड व्हाट इज़ हिज ओपिनियन अबाउट द पब्लिक हेल्थ। आज के एपिसोड में हम उनसे आगे की बातें जानेंगे कि पब्लिक हेल्थ का रोल इंडिया में क्या है और हमारा कंट्रीब्यूशन उसकी तरफ क्या रहेगा। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट देयर। सो लेट्स बिगिन। वेलकम डॉक्टर गजेंद्र इन आवर एपिसोड नंबर 2। आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे WHO और NHS पब्लिक हेल्थ के लिए वेबसाइट्स है, वैसे इंडिया में कौन सी वेबसाइट्स या सोर्सेस हम फॉलो कर सकते हैं? देखिए, इन जनरल केस जिसको बोलते हैं, अभी देखिए कोविड के केस में भी मैं बता देता हूँ कि कोविड के केस में भी आपको 3 ही वेबसाइट जो है ऑथेंटिकली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको फॉलो करना चाहिए। एक है एम्स, दूसरा है ICMR और तीसरा है MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, यही 3 वेबसाइट है। इन अदर केसेस जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए होता है अगर हेल्थ के बारे में, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट है, और उसके अलावा जो अगर आप और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है यदि आपको चाहिए तो MOHFW मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी WHO की वेबसाइट को आप रेफर कर सकते हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए। प्रोग्रामेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए कि कहाँ क्या है, क्या जनरल हेल्थ इन्फॉर्मेशन की हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारा MOHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पे उपलब्ध है। ओके, तो मैं ये सारी वेबसाइट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू एलैबोरेट योर जर्नी इन दिस पर्टिकुलर फील्ड? आप शायद 15 साल से इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हो, तो आप आपकी जर्नी के बारे में हमें बताएंगे। मैंने MBBS किया था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन जो था मेरा एनेस्थीसिया में हुआ था। एनेस्थीसिया एक बहुत हाई स्किल्ड ब्रांच है, स्पेशलाइज ब्रांच है, और उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि मरीज को जब आप ऑपरेशन करते हैं तो उसको बेहोशी कैसे दी जाए, और ये बहुत स्किल्ड ब्रांच है और सो कॉल्ड बहुत रिवॉर्डिंग भी है, यानी कि इसमें बहुत अर्निंग भी होता है, सब कुछ बात है, इट्स अ गुड ब्रांच। बट व्हेन आई वाज डूइंग एनेस्थीसिया देन आई रियलाइज्ड कि एनेस्थीसिया या कोई भी क्लिनिकल ब्रांच में आप 1-to-1 ही केयर कर सकते हैं। आप एक बार में एक मरीज का भला कर सकते हैं, और अपनी पूरी लाइफ में आप एक लिमिटेड नंबर तक का भला कर सकते हैं, मतलब 10, 100, 1,500, 2,000, 5,000 खूब हुए तो 10,000, और अगर अच्छे आप प्रैक्टिशनर है तो 50,000 लोगों का यदि आपने भला कर लिया तो आपकी लाइफ निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन पब्लिक हेल्थ में आप एक बार में लाखों लोगों का भला कर सकते हैं। अंतर इतना होगा कि पब्लिक हेल्थ में आपको कोई फ्रंट में नहीं जानेगा कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है उसमें लोग आपको जानते हैं कि ये हमारे डॉक्टर हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इंडिया में हम डॉक्टर की वही इमेज को एनकरेज करते हैं, ये डॉक्टर है इन्होंने हमें ट्रीट किया प्रॉब्लम, हम कहते हैं डॉक्टर ये है इन्होंने हमें ट्रीट किया। हम ऐसे डॉक्टर के बारे में सोचते ही नहीं है जिसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हम बीमारी नहीं हुए, है ना। और वही चीज जो थी मुझे इस फील्ड के लिए अट्रैक्टेड थी, तो मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन किया कि नहीं, मुझे क्लिनिकल साइड में नहीं जाना है, 1-to-1 बेनिफिट में नहीं जाना, आई वुड लाइक टू डू समथिंग लार्ज फॉर द सोसाइटी, एंड देन आई लेफ्ट एनेस्थीसिया। सो ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये सही नहीं रहेगा और एंड तुम्हें पछतावा होगा। मैंने कहा देखिए, जो होगा वो बाद में होगा, मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन सही है एंड आई विल गो बाय माय डिसीजन एंड आई विल डू इट, आई विल स्टिक ऑन इट, है ना। और मैंने ये भी कहा कि अगर मैं क्लिनिकल साइड यानी कि मतलब सर्जन या डॉक्टर या ऑपरेशन करने वाला कुछ बन भी जाऊंगा तो हो सकता है मैं बहुत अच्छा ना कर पाऊं, क्योंकि वो बेमन से करूंगा, और मुझे जो काम पसंद है मैं वही करूंगा, और वही किया मैंने, और 15 साल हो गए, मुझे कभी भी आज तक उस बात का पछतावा नहीं हुआ कि मैंने गलत डिसीजन किया। आई कैन रिलेट वेरी मच टू योर स्टोरी, क्योंकि ये सेम रीजन के लिए मैंने भी MPH किया था, लेकिन आफ्टर डूइंग MPH व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, तब ऐसा था कि पीपल वर कंफ्यूज कि एग्जैक्ट तुम्हारी डिग्री के साथ क्या करना है हमें, कि पब्लिक हेल्थ में कैसे काम आगे बढ़ाना है। तो हैव यू एवर फेस सच काइंड ऑफ डिफिकल्टी? शुरू में नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग कई बार ये पूछते हैं कि पब्लिक हेल्थ में होता क्या है,
करते क्या है। अभी भी बहुत सारी जनता, मतलब आई थिंक 10-15% से ज्यादा लोग नहीं समझते कि कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह के लोग भी होते हैं जो इस तरह की चीजें पीछे करते रहते हैं। बट ठीक है, मतलब आई एम ओके विद दिस अंटिल अनलेस द कम्युनिटी इज बेनिफिटेड ऑन अ लार्ज स्केल। जब तक कम्युनिटी को एक बिल्कुल लार्ज स्केल पर फायदा होता है, क्योंकि मेरा क्योंकि ये इस ब्रांच के साथ एक इशू, मतलब एक इशू या इसका एक ड्रॉबैक कह सकते हैं कि पब्लिक रिकॉग्निशन के लिए आप मत करिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए करिए। क्योंकि सही बहुत बात सारे लोग ऐसे होते हैं जिन जो इन सब चीजों से बहुत सारे पॉपुलेशन हमारे इंडिया की ऐसी है जो ये सारे मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन से बहुत दूर हैं कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। रूरल में इतने लोग, एब्सोल्युटली रूरल इंडिया में इतने लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि कौन उनके लिए क्या कर रहा है। तो ठीक है अगर आप उनको नहीं, वो आपको नहीं जानते या आप उनको नहीं जानते, बट अगर आपने उनके लिए कुछ किया तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर देम। सो रादर देन डूइंग फॉर पब्लिक रिकॉग्निशन, डू समथिंग फॉर पब्लिक बेनिफिट। वेरी ट्रू एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड आई वुड लाइक टू नो कि जो ये एनजीओज है और अदर सच ऑर्गेनाइजेशन उनका क्या रोल है ये पब्लिक हेल्थ में स्पेशली. सी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक डेफिनेशन है और इंडियन जो सिस्टम है गवर्नेंस का, या वर्ल्ड में भी कहीं भी, गवर्नमेंट्स का रोल रहता है टू प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ एंड बेसिक नेसेसिटी टू देयर पीपल। सो गवर्नमेंट, इट्स द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ गुड हेल्थ एंड एवरीथिंग। एनजीओ का रोल हमेशा किसी भी सोसाइटी में ये रहता है कि गवर्नमेंट जिन चीजों को पूरा नहीं कर पा रही है किसी भी वजह से, चाहे वो इग्नोरेंस हो, चाहे वो पॉलिटिकल लूपहोल्स हो, चाहे वो लैक ऑफ रिसोर्सेज हो, चाहे वो एक्स्ट्रा कुछ भी फैक्टर्स हो, मे बी एक्सेस का कोई इशू हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी वजह से अगर गवर्नमेंट अपना रोल फुलफिल करने में असमर्थ होती है, तब एनजीओज रोल प्ले करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई ऐसा स्टेट सोचिए जहां पर, ऐसी कोई जगह सोचिए जहां गवर्नमेंट अपना काम पूरी तरीके से, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट 100% बेहतर तरीके से कर रही है। अगर ऐसा कर पाएगी कभी कभी भी गवर्नमेंट किसी भी दिन, तो एनजीओ का शायद रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगा। एनजीओ का और रिक्वायरमेंट का इंडिया पर्पस, में वी हैव मैसिव पॉपुलेशन. यस, सो इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए, इंडिया की ज्योग्राफी को देखती हुए, वैरायटी को देखते हुए, ये बहुत जरूरी है कि एनजीओज और लोकल जो प्लेयर्स हैं वो रोल प्ले करें। क्योंकि यहाँ पर हर 100 किलोमीटर में आपको बहुत डिफरेंस मिलता है इन पीपल, इन लैंग्वेज, इन प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट हर जगह पहुंचने की कोशिश डेफिनेटली करती है, काफी हद तक सक्सेस भी रहती है, बट देर आर सर्टेन रियलिटीज विच गवर्नमेंट हैज टू एक्सेप्ट कि ये हम नहीं कर पाते। देन गवर्नमेंट एनजीओ को सपोर्ट करती है कि आप करिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। दैट इज हाउ द गवर्नमेंट एनजीओ रिलेशनशिप गोज ऑन। ओके एंड नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन. आप कौन से बुक्स और जर्नल्स या कोई भी वेबसाइट हमारे दर्शकों को सजेस्ट करोगे जिसकी वजह से उन्हें पब्लिक हेल्थ के बारे में और इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनको समझने में हेल्प होगा कि एग्जैक्ट पब्लिक हेल्थ क्या है, कैसे वर्क करता है और वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं. मेरे हिसाब से, जैसा कि जो मैं समझ रहा हूँ कि जो व्यूअर्स होंगे वो जनरल स्टूडेंट्स या जनरल पीपल होंगे जो कि मे नॉट भी टेक्निकल होंगे, उनके हिसाब से मेरे मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो सबसे बेस्ट बुक है पब्लिक हेल्थ को समझने के लिए, वो है पार्क, के पार्क का जो बुक है ऑन ऑन प्रिवेंटिव कम्युनिटी एंड सोशल मेडिसिन का. मेडिसिन, यस, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, दैट इज बेस्ट एंड इन सिंपलेस्ट लैंग्वेज। उससे ज्यादा सिंपल आप कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा आपको कहीं टेक्निकल लगे, बट आप उसके कुछ हिस्सों को छोड़ सकते हैं, लेकिन वो एक बेसिक चीजों को समझने में आपको हेल्प करेगा कि हमारे आसपास कितना कुछ है जिसमें यदि हम प्रिवेंटिव एंगल देखें तो बहुत कुछ हम समझ सकते हैं। हाँ, मतलब वो आपको आपकी हवा, पानी, बीमारी, खाना, सभी को जोड़ के दिखाती है वो बुक, सही और बात है. हमने डेफिनेटली फाइनल ईयर में पूरा वो रट्टा मारा हुआ बुक है हम हाँ। सबने. तो वो उसका पर्पज ये है, उसका पर्पज ही ये है कि आपके आसपास इतना सब कुछ है जिसमें कि प्रिवेंटिव एंगल हर चीज में मौजूद है, हवा में, पानी में, इवन यहाँ तक कि आपका जो व्हाट यू कैन से वाटर सैनिटेशन, हाइजीन, सैनिटेशन में उसका रोल है, और इसके अलावा सिस्टम्स किस तरह रोल प्ले करते हैं, आप किसी चीज को कैसे देखना चाहिए आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम को, उसका भी एक रोल एंगल है उसमें। तो वो मेरे को लगता है कि इवन फॉर द कॉमन पब्लिक, इवन फॉर द नॉन मेडिकल पीपल, इट इज अ गुड बुक टू रीड। यस डेफिनेटली. मैं एंड वो दूसरी बुक बुक की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन हाँ में आप लोगों के लिए दूसरी डाल दूंगी.
और दूसरी बुक एक और है जिसको मैं सजेस्ट करूंगा, जो थोड़ी सी इसे एक लेवल आगे की समझेंगे बट वो भी इसी के साथ पढ़ना चाहिए, वो है प्रोफेसर जुगल किशोर की बुक है दिस हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। वो भी इसलिए जरूरी है ये देखने के लिए कि सरकारें हमारी क्या क्या काम कर रही हैं, सरकार कितना काम करती है, और हर चीज को एड्रेस करने के लिए, हर हेल्थ को हर हेल्थ इश्यू को एड्रेस करने के लिए, स्पेशली प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे कितने सारे काम हो रहे हैं। ये किताब ये नहीं बताती कि कितना अच्छा हो रहा है या कितना बुरा हो रहा है, बट काम हो रहा है। सो काम के बारे में जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कितने हेल्थ इश्यूज हैं। हो सकता है जब आप उस किताब को पहली बार पढ़े तो आपको पहली बार रियलाइज हो कि इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं, हमें पता ही नहीं, इतने सारे हेल्थ इश्यूज हैं, इतने सारे हेल्थ इश्यूज हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम कभी अफेक्ट नहीं हुए, बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन में मतलब कहीं कोई ना कोई तो अफेक्ट होता होगा ना, तो उसके लिए सरकार क्या करती है। तो हाउ द गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ रोल फॉर द कम्युनिटी हेल्थ, दैट इज एन इंटरेस्टिंग बुक फॉर दैट, एंड दैट इज ऑल्सो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, वेरी सिंपल। ओके, डेफिनेटली। सो इट वॉज प्लेजर टू टॉक टू यू। ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, और जो लोग मेडिकल फील्ड से रिलेट नहीं करते और जिन लोगों को पब्लिक हेल्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं था, शायद अब उनको अच्छे से आइडिया हो जाएगा व्हाट इज पब्लिक हेल्थ एंड हाउ वी पीपल वर्क। सो इट वॉज प्लेजर टू टॉक टू यू, इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। और हम सब और डॉक्टर गजेंद्र सिंह को आगे के एपिसोड में भी देखेंगे और उनसे काफ़ी सारा नॉलेज गेन करेंगे। फॉर टूडे, थैंक यू सो मच डॉक्टर गजेंद्र। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू, सेम हियर, बाय। थैंक यू, बाय। And if you like our video, please share it with maximum people. Do not forget to subscribe our channel and hit the bell icon so that you will never miss any video notification. Until next time, rewrite your mind and relive your life. Thank you.